आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लखनऊ के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्यालय पर हाल ही में निकाय चुनाव में प्रदर्शन को लेकर मंडल स्तर पर समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें लखनऊ नगर निगम के महापौर प्रत्याशी के साथ सभी जीते और हारे पार्षद प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बजलाल खाबरी सहित कई प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्राइम टीवी से खास बातचीत में बजलाल खाबरी ने कहा कि ये बैठक मंडल स्तर की समीक्षा बैठक है और आने वाले 22 मई को प्रदेश स्तर की समीक्षा बैठक भी की जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को भी तय किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के निकाय चुनाव में प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया देती हुई भी दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से महानगर के सभी जो लखनऊ महानगर के सदस्य हैं उनकी एक समीक्षा बैठक रखी गई है। साथ ही साथ जीते पार्षदों को आज यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीति पर बात की जा रही है। आप अगर बात करें तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश लखनऊ महानगर के सभी सदस्य मौजूद हैं, साथ ही साथ पीसीसी सदस्य मौजूद है। यहाँ आप ठीक पीछे देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी तमाम जो जीते पार्षद हैं उनको आज सम्मानित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी हैं। सर, निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बेहतर नतीजा मिला है 2024 के दृष्टिगत से, कितनी तैयारियाँ अब की जा रही हैं? देखिए, आज जो कार्यक्रम है वो जीते हुए पार्षदों का और अच्छे लड़े पार्षदों का, जितने भी पार्षद लड़े सभी का है। जिन्होंने पार्षदों को लड़ाया है उनका भी है, सबका स्वागत और सम्मान है। जहाँ तक चुनावी समीक्षा की बात है तो आने वाली 22 तारीख को हमने समीक्षा बैठक रखी है। प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष होंगे, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारी होंगे और जिम्मेवार साथी होंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद अगली तैयारी में जुट गए। हिमाचल में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई, उसके बाद अब कर्नाटक में भी वो सिलसिला जारी है। अब बात करें तो देश में लोकसभा का चुनाव है 24 में, बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक अपना खोया जमीर तलाश रही है, आपके पास कितनी चुनौती है? देखिए, कर्नाटक के बाद अभी 3 राज्यों के चुनाव और हैं नवम्बर में, उनमें भी हम 3 जगह जीतेंगे। है तो 5 जगह चुनाव, हम 5 जगह जीतेंगे, लेकिन 3 जो खास प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये हमारे हिस्से में आएंगे। इसके बाद कहीं लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव में पूरा देश कांग्रेसमय होगा, कांग्रेस की सरकार होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारत जो यात्रा जहां जहां गई वहां कांग्रेस को सफलता मिल रही है, तो क्या फेज 2 आएगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, वो खुद ही तय करेंगे। आखिरी सवाल, आप पश्चिम से आते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने वोट परसेंटेज में इजाफा की है और पश्चिम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरएलडी एक मजबूत स्थिति में, 24 में दावा करिए कि मजबूत स्थिति में होंगे, तो क्या कांग्रेस अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, पहले भी मैं कह रहा हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है कि जितने भी सेकुलर दल हैं वो देश को बचाने के लिए अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कांग्रेस उनके साथ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो भी सेकुलर सोच के लोग हैं उन्हें हम 24 में अपने साथ लेकर अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ।